हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम स्टडी पॉइंट में। ऐसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि मेरा एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का स्पेशल इंग्लिश का प्रैक्टिस सीट चल रहा था, जिसमें मैं ऑलरेडी आप लोग को 14 नंबर तक का प्रैक्टिस सीट कवर करवा दिया हूं। अगर आप लोग 14 नंबर तक का प्रैक्टिस सीट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक आप लोग को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग 14 नंबर तक का प्रैक्टिस सीट जाकर जरूर देखिएगा, सारे वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है एंड हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर जाकर देखिएगा। ये फ्रेंड्स आप लोग के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के लास्ट में हमको एक बात जरूर बताएगा कि इस वीडियो से आप लोग को कुछ सीखने को मिला है या नहीं। अगर आप लोग को वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो से कुछ सीखने को नहीं मिलता है तो आप लोग क्यों कीजिएगा, आप लोग को पूरा हक है वीडियो को डिसलाइक करने का। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज मैं आप लोग को कुछ नया सिखाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आज आप लोग के लिए कुछ नया है, क्या है आप लोग देखिए। ये फ्रेंड्स आप लोग के सामने एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आया। आप लोग सबसे पहले जाने एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन किस तरह से रीड करते हैं। तो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को हम लोग को रीड करना बहुत जरूरी होता है। एक एक चीज के बारे में हम लोग को समझना होता है कि कहां पे किसका प्रयोग होना चाहिए। ओके, आई होप कि आप लोग को इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसको रीड कीजिए तो आप लोग कहेंगे सर क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो। यहां देखिए नो सुनर आया हुआ है और देन आया हुआ है। आपका नो एरर, सीधा आप बोलिए ना कि इसका नो एरर आंसर हुआ, लेकिन आप लोग सब्र रखिए, यहां नो एरर आंसर नहीं होगा। हां यह बात सही है कि नो सुनर के साथ देन का प्रयोग होता है। नो सुनर के साथ कौन सा कंजंक्शन का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग होता है। ये आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, इतना तो क्लियर है, इतना को कोई काट नहीं सकता। बट आप लोग एक बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर नो सुनर कहीं दिखे, अगर नो सुनर कहीं दिखे और उसके साथ देन भी दिया रहे, तब आप लोग को एक बात माइंड में रखना, क्योंकि एग्जामिनर आपको इतना हल्का क्वेश्चन नहीं देगा कि नो सुनर दे दिया और यहाँ पे देन की जगह देन दे देगा, देन दे देगा या फिर वेन दे देगा। ये आपका एग्जामिनर इस तरह का गलती नहीं करता। एग्जामिनर मतलब आप परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षा का मतलब क्या होता है, पर का इच्छा, यानी दूसरों के अनुसार आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो दूसरा कोई कभी चाहेगा कि आप अच्छा कीजिएगा, तो कभी नहीं एग्जामिनर कभी आप लोग का देन देगा, लेकिन कभी भी आप लोग के सामने देन नहीं दे देगा कि आप लोग नहीं भैया आप लोग यहाँ देन को काटिए, हम देन का प्रयोग करेंगे खुशी खुशी से, हम यहाँ देन को लगा देंगे। आप देन दे रहे हो, गलती कर रहे हो, लेकिन एग्जामिनर आपको देन ही देगा। और क्यों देगा आप हमको, आप वीडियो में बने रहिए, आप लोग को हम बताते हैं। देखिए नो सुनर आया, देन आया, अकॉर्डिंग टू देन आया, बिल्कुल राइट है। अब आप लोग को एक बात ध्यान में रखना होगा कि नो सुनर के बाद क्या होता है, नो सुनर के बाद इन्वर्जन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख के लाए, नो सुनर के बाद इन्वर्जन आता है, उसके बाद देन का प्रयोग होता है। अब आप लोग कहेंगे सर इन्वर्जन का क्या फंडा, तो आप लोग इन्वर्जन का मतलब समझिए। इन्वर्जन का मतलब होता है जैसे आप लोग सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, आप लोग सिंपली सेंटेंस को डिजाइन करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस को आप लोग इसी तरह से डिजाइन करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन इन्वर्जन का मतलब हुआ फ्रेंड्स वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हुआ, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई सेंटेंस में नो सुनर दिखे तो हम लोग इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं, यानी हम लोग पहले पहले हैड आएगा उसके बाद ही आएगा, पहले क्या आएगा, पहले हैड आएगा उसके बाद ही आएगा। ओके, आई होप कि आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो इसमें जो एरर था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में एरर था, आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, माई सेल्फ एंड अवनी, माई सेल्फ एंड अवनी विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक रूल होता है, माई सेल्फ आया हुआ है। आप लोग कहेंगे सर ये तो हमको पता है कि माई सेल्फ आपका क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। माई सेल्फ क्या होता है फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर कभी भी नहीं करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर कभी नहीं करते हैं। अब आप लोग का एक क्वेश्चन माइंड में क्रिएट हो रहा होगा कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा, तो कोई भी प्रोनाउन में कोई भी वर्ड के लास्ट में सेल्फ, कोई भी वर्ड के लास्ट में सेल्फ लगा रहे या सेल्फ्स लगा, या सी एल वी ई एस, सेल्फ या सेल्फ्स लगा रहे तो क्या होता है फ्रेंड्स, वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। यहाँ देखिए सेल्फ लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या माइंड में रखना है एक बात को कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के अनुसार नहीं होता। इसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, आई का प्रयोग करेंगे, आई एंड अवनी, लेकिन तब भी आपका गलत होगा। अगर यहाँ पे आई का भी प्रयोग कर दीजिएगा ना तब भी आपका गलत होगा, क्योंकि सर अब की बार क्या फंडा है कि तब भी मेरा गलत होगा। आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना होगा। अब कहेगा सर फॉर्मूला क्या होता है, आपको हम बताते हैं। 231 एक फॉर्मूला जो आप लोग को याद रखना होगा। अब 231 का मतलब समझिए, कोई भी सेंटेंस में,
कोई भी सेंटेंस में आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन तीनों एक साथ आ जाए तो आप लोग किस तरह से उसको अरेंज कीजिएगा, पहले सेकेंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। सेकेंड पर्सन किसे कहते हैं, यू को क्या कहते हैं, यू को, यू आप हो गए सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या हो गया, ही सी इट नेम क्या होता है फ्रेंड, सी सी इट नेम दे क्या होता है, फर्स्ट थर्ड पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई और बी, आई और बी क्या होता है फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन होता है। तो यहां देखिए कौन कौन सा फॉर्मूला, कौन कौन सा पर्सन फॉलो कर रहा है, यहां देखिए अवनी आया है, अवनी कैसा नेम है, तो ये आपका थर्ड पर्सन यानी तीन है, अवनी तीन है, और आई क्या, आई आपका एक है, तो 13 का कभी यूज होगा नहीं, 31 का यूज होगा, किसका यूज होगा, 31 का यूज होगा। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, पहले अवनी का यूज करेंगे, पहले अवनी का यूज करेंगे, उसके बाद एंड लगाएंगे और उसके बाद आई का यूज करेंगे। आई होप कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। यहां देखिए 231 का मतलब याद रखिएगा, 2 से सेकंड पर्सन, 3 से थर्ड पर्सन एंड 1 से फर्स्ट पर्सन। आई होप कि आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसमें जो इरर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में आपका इरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बहुत ही हल्का सा, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है और बहुत ही माइनर सा मिस्टेक किया गया। आई होप कि आप लोग इसमें नहीं, इसका इरर आप लोग नहीं फाइंड आउट कर लिए होंगे, लेकिन अगर आप लोग कर लिए तो बहुत अच्छा है, आप लोग का तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। चलिए क्या इसमें इरर आपको हम बताते हैं, ही एज्यूड मी दैट ही शुड अवॉइड बाय माई डिसीजन इन ऑल। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल आया हुआ है, ऑल आया यानी नाउन आएगा, तो देखिए फ्रेंड्स ऑल अपने साथ कौन सा नाउन का प्रयोग करता है, तो आप लोग कहेंगे सर क्या बात करते, कल ही ना आप बताए थे कि ऑल अपने साथ, ऑल अपने साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग करता है। सर का मस्ट आंस क्या फ्रेंड्स, नाउन है, कैसे पहचाने, जो कोई वर्ड के लास्ट में, जो कोई वर्ड के लास्ट में ए एन सी ई लगा रहे या फिर ई एन सी ई लगा रहे या फिर टी वाई लगा रहे, उसे वे सारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, वे सारे आपके नाउन्स होते हैं। तो यहाँ देखिए ए एन सी ई लगा हुआ यानी नाउन्स है, और ऑल के बाद कैसा नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है, लेकिन ये कैसा है फ्रेंड्स, सिंगुलर नाउन है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी में इरर हो गया। इसको सुधारने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ए स्क्वायर्ड करेंगे, सरकमस्टांसेस करेंगे, तो मेरा ये राइट होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी में इरर था। ओके, आई होप कि आप लोग को इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ऑल्दो दिस रूम्स इज इन नीड ऑफ रिपेयर एट द ऑनर डज नोट टेक एनी नोटिस ऑफ दियर कंडीशन, नो इरर। आप लोग कहेंगे सर इसमें नो इरर है, कहेंगे कैसे नो इरर है, क्योंकि यहाँ पे ऑल दो दिया, यहाँ पे एड का यूज करके दिया है, तो नो इरर है। लेकिन आप लोग को एक एक चीज हम क्या बताएं शुरू में, कि कॉमन इरर वाले क्वेश्चन में, इरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं देखना कि ऑल दो आप लोग यहाँ पे नहीं जानते तो नोट कर लीजिएगा, ऑल दो और दो, टी एच ओ यू जी एच, ऑल दो और दो अपने साथ किसका प्रयोग करता है, कॉमा का यूज करता है, नहीं तो ऐड का यूज करता है, किसका यूज करता है, कॉमा का यूज करता है, नहीं तो ऐड का यूज करता है। हम आपको कल भी इसके बारे में बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम ऐसा थोड़ी है कि बार बार एक ही तरह का क्वेश्चन करवाएंगे, कुछ ना कुछ हर एक क्वेश्चन में जरूर खास रहता है, तो क्या खास रहता है आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। आप लोग को क्या करना होता है, क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से क्यों नहीं पढ़ते हैं, आप लोग को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखिए आप लोग को इधर पता लग जाएगा। ऑल दो दिज रूम्स, दिज रूम्स है क्या है, दिज रूम्स है यानी कैसा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, जब प्लूरल सब्जेक्ट है भैया तो यहाँ पे इज का थोड़ी प्रयोग होगा, यहाँ पे आर का ना प्रयोग होगा बाबू, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा, ना कि इज का प्रयोग होगा, क्योंकि दिज रूम्स कैसा, दिज रूम्स आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। हो सकता है और भी इरर हो सकता है, अब आगे भी आप लोग को ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखिए आगे हम पढ़ते हैं, इन नीड ऑफ रिपेयर एट द ऑनर डज नॉट, यहाँ देखिए फ्रेंड्स डज का प्रयोग किया गया। हम डज से संबंधित आप लोग को एक रूल बताते थे, अगर कोई भी सेंटेंस में पूरे इंग्लिश में आप लोग याद कीजिए ना यार, पूरे इंग्लिश में अगर डू दिखे, डज दिखे या डिड दिखे, तो उसके साथ हम कौन सा भर्व का प्रयोग करते हैं, भर्व का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जो यहाँ पे देखिए किया हुआ है, बिल्कुल राइट है। एनी नोटिस ऑफ दियर कंडीशन नो इरर, यहाँ पे आपका इरर किसमें था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में इरर था। बस आप लोग को ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शन में इरर हो सकता है, एक से ज्यादा में भी इरर हो सकता है, तो ऐसा कंडीशन में हम लोग किसको टिक करते हैं, जब एक से ज्यादा में इरर होगा तो ऐसा कंडीशन में किसको टिक कर देते हैं, नो इरर को टिक करते हैं, यानी नन ऑफ दीज को टिक करते हैं, मतलब कोई भी वाक्य मेरा, कोई भी पार्ट मेरा सही नहीं है। ओके, आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया इस क्वेश्चन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है फ्रेंड्स, आगे आपका सिनोनियम से क्वेश्चन है, क्या कह रहा है,
इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, इंसोलेंट का हिंदी होता है फ्रेंड्स अक्कड़ या फिर बदतमीज, मतलब ऐसा एक ऐसा व्यक्ति जो किसी से अकड़ कर बात करता है, जिस जो किसी से सीना वगैरह तान उन कर नहीं कहते हैं अकड़ता है, यानी सीना ना तान कर किसी से बात करता है उसे क्या कहते हैं बदतमीज कहते हैं, उसे एक लैंग्वेज में कहते हैं बदतमीज। तो इसका सिनोनिम क्या होता है ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का हिंदी क्या होता है बदतमीज। एंड इनटॉलरेंट का हिंदी क्या होता है इनटॉलरेंट का होता है असहनशील, जो कोई भी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है उसे क्या कहते हैं तपाकी टाइप का होता है उसे क्या कहते हैं असहनशील। एंड इंडिसेंट का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, इंडिसेंट का हिंदी होता है भद्दा या फिर खराब, क्या था भद्दा कह लीजिए खराब कह लीजिए या फिर अश्लील भी उसको कह सकते हैं। एंड अवकवार्ड का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, अवकवार्ड का हिंदी होता है तकलीफ देह या फिर नाजुक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है आगे देखिए फ्रेंड्स, इनिग्मा, इनिग्मा का क्या फाइंड आउट करना है, इनिग्मा का भी हमको सिनोनियम फाइंड आउट करना है जिसका हिंदी क्या होता है रहस्य। इनिग्मा का हिंदी क्या होता है रहस्य। अब इसका सिनोनियम क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सिनोनियम होगा ऑप्शन नंबर बी रिडल। रिडल का हिंदी क्या होता है रहस्य। एट्रैक्टिव का हिंदी होता है आकर्षक। फ्लेयर अप का हिंदी क्या होता है, फ्लेयर अप का हिंदी होता है शुरू होना, मतलब कोई चीज का शुरुआत करना। ड्रीम का हिंदी आप लोग को सभी को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, आई इंसिटेड फिल इन द ब्लैंक्स हिज लिविंग ऑफ द प्लेस। अब देखिए फ्रेंड्स, इंसिटेड अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करता है, इंसिटेड अपने साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज करता है। हम आप लोग को एक बात करना चाहते हैं फ्रेंड्स, अगर आप लोग के लिए हम ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहले नाउन करा देंगे, प्रोनाउन करा देंगे, वर्ब करा देंगे, एडजेक्टिव करा देंगे, एडवर्ब करा देंगे, हमारा टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी बेसिक से ग्रामर आप लोग के लिए स्टार्ट करें, आप लोग का क्या सजेशन है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम चाह रहे हैं कि आप लोग का एग्जाम में अभी काफी टाइम है, तो हम सोच रहे हैं कि बेसिक से आप लोग का ग्रामर स्टार्ट कर दें ताकि आप लोग का ग्रामर पूरे तरीके से स्ट्रांग हो सके, एंड एक एक चीज के बारे में आप लोग को हम बताएंगे। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर आप ग्रामर का सेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग 10-5 का भी कमेंट आएगा ना, आप लोग 10-5 लड़के भी कमेंट कर देंगे तो हम स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो हम क्यों स्टार्ट करेंगे, कोई देखेंगे ही नहीं तो झूठू का क्यों पढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्लीज डोंट, प्लीज डोंट फिल इन द ब्लैंक्स मी व्हेन आई एम स्पीकिंग। कुछ देर पहले फ्रेंड्स आप लोग को हम एक रूल क्या बताए थे, पूरे इंग्लिश में आप लोग को क्या याद रखना है, कहीं भी आपको डू दिखे, डज दिखे या डिड दिखे तो उसके साथ हम कौन सा वर्ब का यूज करते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए डू दिख रहा है, डू नॉट दिख रहा है, अब डू नॉट दिख रहा है तो हम लोग को देखना है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन है। आप लोग कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी है, आप लोग खुशी खुशी ऑप्शन नंबर सी को लगाइए, 100% आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को बेसिक रूल याद है और जिसको बेसिक रूल याद रहता है ग्रामर का उसको क्वेश्चन में कभी भी कहीं भी किसी प्रकार का ट्रबल का सामना ट्रबल को फेस नहीं करना पड़ता है, बस आप लोग को बेसिक रूल याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है फ्रेंड्स, ही गिव्स एवरीवन फिल इन द ब्लैंक्स द क्लास अपॉर्चुनिटीज इन फॉर प्रैक्टिस। अब देखिए द क्लास के पहले कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, इनका प्रयोग होगा, आप लोग याद रखिएगा किसका प्रयोग होगा इनका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ग्रेसफुल, ग्रेसफुल का एंटोनियम पूछ रहा है जिसका हिंदी क्या होता है, जिसका हिंदी होता है सुशोभित या फिर आकर्षित, क्या होता है सुशोभित या फिर आकर्षित। इसका एंटोनियम क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए अवॉकवर्ड। अवॉकवर्ड का मतलब क्या होता है भद्दा या फिर खराब। इलिजेंट का मतलब क्या होता है सुंदर। एंड ग्रेसियस का मतलब क्या होता है, ग्रेसियस का मतलब होता है दयालु यानी काइंडनेस। एंड अगली का मतलब क्या होता है क्रूर, आप लोग सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इनर्सिया, इनर्सिया का हिंदी क्या होता है आलस्य। एंड इसका एंटोनियम क्या होगा, इसका एंटोनियम होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बिग्योवर। बिग्योवर का मतलब क्या था, बिग्योवर का मतलब जोश, मतलब एक इनर्सिया का मतलब क्या होता है आलस्य, जो काम नहीं करना चाहता है। एंड बिगोवर का मतलब क्या होता है जोश, जैसे हम आपको जोश से पढ़ाते हैं पूरा मन से आप लोग को पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग क्या है आप लोग आलस्य करते हैं नहीं इनर्सिया करते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर वेयर करते नहीं है, क्या उसका मतलब क्या होगा आप लोग इनर्सिया करते हैं। ओके, एंड स्ट्यूपर का मतलब क्या होता है, स्ट्यूपर का मतलब होता है सदमा। एंड लैंग्योर का मतलब क्या होता है, लैंग्योर का मतलब होता है थकान। एंड इनर्टनेस का मतलब क्या होता है, इनर्टनेस का मतलब होता है आलस, यानी ये दोनों आपस में सिनोनियम हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अगर आप लोग को आता है क्वेश्चन टाइप बनाने के लिए तो ठीक है, नहीं तो हम कल से स्टार्ट किए हैं आप लोग को क्वेश्चन टाइप को सिखाने के लिए, तो आप लोग सीखिए, रोज आइए, रोज 2-3 क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन कीजिए। पहले आप लोग को क्या सिखा दिए, आपका वॉइस और नरेशन, वॉइस और नरेशन आप लोग का कंप्लीट हो गया कि नहीं, वॉइस और नरेशन आप लोग को हम कंप्लीट करवा दिए। अब हम स्टार्ट किए क्वेश्चन टाइप को, अब क्वेश्चन टाइप को भी हम आपको कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद इसी तरह से एक एक क्वेश्चन हम रिमूवल टू का लाएंगे, फिर रिमूवल टू को भी आप लोग को कंप्लीट करा देंगे।
तो देखिए अभी आप क्वेश्चन टैग को देखिए, इस क्वेश्चन टैग को अगर आपको बनाने आता है तो सही है, नहीं आता है तो आप लोग सीखने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन टैग में देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का सेंटेंस दिया रहेगा, उसके बाद कॉमा दिया रहेगा, उसके बाद इधर क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। तो आप लोग को तो इतना माइंड का यूज नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा रहेगा क्या, क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग को हम लोग किस तरह से बनाते हैं, हम लोग को सबसे पहले देखेंगे ये जो कॉमा लगा हुआ है ना फ्रेंड्स, कॉमा के पहले जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये मेरा निगेटिव में या पॉजिटिव में, अगर इधर आपका निगेटिव में रहेगा तो मेरा इसका टैग क्या बनेगा, इसका टैग मेरा बनेगा पॉजिटिव में, अगर इधर मेरा पॉजिटिव में रहेगा तो इसका टैग क्या बनेगा, इसका टैग बनेगा मेरा निगेटिव। अब देखिए फ्रेंड्स इसका ये स्टेटमेंट मेरा कैसा था, आप लोग कहेंगे सर इसको कोई बोल सकता है, ये मेरा निगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसका टैग कैसा बनेगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव में। अब टैग कैसे बनाते हैं, तो देख तो टैग कैसे बनाते हैं आप लोग सीखने का कोशिश कीजिए, इसका जो एक्जिलरी वर्ब रहेगा वही एक्जिलरी वर्ब यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ एक्जिलरी वर्ब रहेगा और इसका जो सब्जेक्ट रहेगा वही सब्जेक्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे, और उसके बाद देखिए क्वेश्चन मार्क आपका सही है। अब देखिए इसका एक्जुलरी वर्ब कौन सा है फ्रेंड्स, एम है, तो हम लोग एम को यहाँ पे लिखेंगे, और इसका सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट आपका आई है, तो आई को हम यहाँ पे लिख दिए, क्वेश्चन टैग आपका बन गया। लेकिन अगर यहाँ पे निगेटिव नहीं रहता, नोट का यूज नहीं किया रहता, तो हम लोग क्या करते हैं आगे आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए और है, चलिए आगे देखिएगा। आगे क्या है फ्रेंड्स, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी मेंटेनेंस का आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ही, आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन टैग का क्या क्वेश्चन करा, आई एम राइट क्या है फ्रेंड्स, ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब इसका टैग कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, इधर मेरा पॉजिटिव है तो इधर मेरा क्या होगा, इधर मेरा निगेटिव होगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं तो इधर मेरा निगेटिव होगा। अब देखिए यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब आप लोग का माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट होगा, तुरंत आप लोग कंफ्यूज कर गए होंगे कि सर यहाँ पे एम है तो यहाँ पर हम लोग एमेंट नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, एमंट करेंगे। लेकिन ये एमंट ना फ्रेंड्स, ये पूरे इंग्लिश में ये वर्ड कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब पूरे इंग्लिश में आप लोग खोज लीजिए ये वर्ड आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप लोग एक एक्सेप्शन मान लीजिए, ये एक आपका एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन भी आप लोग का एग्जाम में आता है, आप लोग का जो क्वेश्चन है ना एक्सेप्शन से ही आता है, तो यहाँ एम का यूज किया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, क्योंकि एमंट नहीं होता है इसलिए हम यहाँ पे आर का यूज करेंगे, आरंट और आरंट हो गया, और आरंट अपने आरंट के साथ क्या आएगा, आई आएगा, आपका राइट होगा। ओके, आई होप कि आप लोग इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स, ए प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, मतलब ये आपका वन वर्ड है, क्या करा, ए प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसी स्थान जहां शस्त्रों को, यानी आर्म्स वगैरह, आर्म्स का हिंदी क्या होता है, शस्त्र, जहां मतलब बंदूक वगैरह, तलवार उरवार क्या होता है, ये सारे शस्त्र होते हैं, जहां शस्त्रों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एरियोमोरी कहते हैं, यानी शस्त्रालय कहते हैं, क्या कहते हैं, शस्त्रालय। एंड ऑडिटोरी किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो ऑडिटोरियम का आप लोग नाम सुने, ऑडिटोरियम जहां बहुत सारे लोग बैठते हैं और जहां गीत संगीत होता है उसे क्या कहते हैं, ऑडिटोरियम कहते हैं। तो ही उसे वही को क्या होता है फ्रेंड्स, वही आपका ऑडिटोरी भी होता है। अपियरी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मधुमक्खी पालन। एंड एक्चुअरी का मतलब क्या होता है, एक्चुअरी का मतलब होता है मुंशी। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग का इतना क्लियर हो गया होगा, अगर आप लोग का कोई सजेशन हो फ्रेंड्स तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। आप लोग एक बार जरूर बताएगा कि हम आप लोग के लिए ग्रामर का सीरीज स्टार्ट करें या ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोग का टाइम है, तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग को हम बेसिक से एक बार सारे रूल्स को पार्ट बाय पार्ट कवर करवा दें, एंड बेसिक से चैप्टर वाइज। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो करो फ्रेंड्स इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।